इंदौर क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय चोरों का गिरोह पकड़ा है, जिन्होंने गुजरात और राजस्थान में 3 वारदातों को अंजाम देकर लाखों के माल पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने आरोपियों से 10 लाख का माल बरामद किया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पकड़ में आए आरोपियों के नाम जावेद निवासी आजाद नगर, मनीष उर्फ टोनी निवासी धार और कोहिनूर उर्फ भूरिया है। यह वारदात करने की नियत से शहर में घूम रहे थे। तीनों ने मिलकर गुजरात के गोधरा में पंचमहल इलाके के एक घर से 10 लाख नगद और सोने चांदी की आभूषण चुराए थे। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कपासन क्षेत्र से 3 लाख और प्रतापगढ़ से 7 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जाँच में पता चला कि तीनों आरोपी आदतन अपराधी है। आरोपी जावेद के खिलाफ जूनी इंदौर थाना, विजयनगर, MIG, चंदननगर, खजराना, बाणगंगा आदि थानों में भी नगबजनी, डकैती की योजना, घर में घुसकर चोरी करना, लड़ाई झगड़े, जान से मारने की धमकी, जुआ एक्ट जैसे 14 अपराध पहले से दर्ज हैं। वह मंदसौर के NDPS एक्ट के प्रकरण में भी फरार था। इसी तरह आरोपी मनीष उर्फ टोनी के विरुद्ध जिला धार थाना कोतवाली में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, झगड़ा फसाद, जान से मारने की धमकी जैसे 3 अपराध एवं आरोपी कोहिनूर उर्फ भूरिया के विरुद्ध पीतमपुर में लूट का मामला दर्ज है। मुखबिर की सूचना पर गुजरात पुलिस के साथ में जो है उनके 3 लोगों को पकड़ा गया है, जावेद, मनीष और कोहिनूर भूरिया के नाम से। ये तीनों जो है अन्य राज्यों में चोरियां करते थे और इन्होंने गुजरात में गोधरा जिले में, प्रतापगढ़ जिले में और चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान के यहाँ पे इन्होंने चोरियाँ करी, करीब 20-25 लाख की चोरियाँ करी इन्होंने। और इनको जो है गुजरात पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और आगे इनसे और पूछताछ कर रहे हैं और इनसे माल इन्होंने जो सब जगह से चोरी किया उसको बरामद किया।